आगामी 2022 चुनाव के मद्देनजर किसानों के हितैषी बीजेपी निकालेगी ट्रैक्टर रैली। आगामी 24 नवंबर को रैया जनपद में लगभग 400 ट्रैक्टरों के साथ बीजेपी हुंकार भरेगी। किसानों के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ किसानों को अपने साथ करने की बीजेपी की पहल है। यूपी के औरैया जनपद में भाजपा कार्यालय ग्राम तुर्कीपुर में पहुंचे भाजपा किसान मोर्चे के क्षेत्रीय महामंत्री विकास भदौरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि किसानों की एकमात्र हिति बीजेपी सरकार किसानों के साथ है। किसानों की मांगों को मानने वाली बीजेपी सरकार आगामी 24 नवंबर को मंडलीय जनपदों में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आज औरैया जनपद में जो आपके द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा निरंतर किसानों के बीच जाकर अपनी योजनाओं को किसानों तक पहुंचा रहा है। इसी के संदर्भ में पिछले महीने 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में हमने किसान चौपालें लगाई पूरे प्रदेश और पूरे क्षेत्र में, जिसका के बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। किसान मोर्चा का आगामी कार्यक्रम 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में ट्रैक्टर रैली का है। हम हर जिले में जो 75 हैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 17 जनपदों में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उस रैली के संदर्भ में ये है। और इसके बाद 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के 403 विधानसभाओं में से आधे 201 विधानसभा क्षेत्र, हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 52 विधानसभा क्षेत्रों में 26 जगह किसान सम्मेलन कराएगी। इसी के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता का आयोजन। और यह जनपद में ये ट्रैक्टर रैली कब निकाली जा रही है, कहाँ से निकाली जाए और कितनी ट्रैक्टरों का इस रैली में रहेगा? और यह जनपद में ट्रैक्टर रैली 24 नवंबर को निकाली जाएगी। हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारे ट्रैक्टर रैली में जो न्यूनतम 200 संख्या और अधिकतम 400 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। 25 किलोमीटर के दायरे में जिला मुख्यालय से जो ट्रैक्टर हमारे कार्यकर्ताओं के और सभी संगठन के लोगों के होंगे, वो इस रैली में झंडे और बैनर लगा के कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। कार्यक्रम स्थल से पहले एक सभा की जाएगी और उसके बाद वो एक रूट रहेगा 5 किलोमीटर का, उस रूट पर जाकर समापन किया जाएगा।